मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे, इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक्तदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका के आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। ये कौम पीछे नहीं हटेगी। आप फैसला सिर्फ ये करना है कि तब्दीली पूरा मनाएगी या फिर वो जो तबाही वाली तब्दीली होती है जो सबके हाथ से निकल जाती है, ये वो आएगी, लेकिन तब्दीली को आप कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया, पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे, इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक्तदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका के आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। ये कौम पीछे नहीं हटेगी। आप फैसला सिर्फ ये करना है कि तब्दीली पूरा मनाएगी या फिर वो जो तबाही वाली तब्दीली होती है जो सबके हाथ से निकल जाती है, ये वो आएगी, लेकिन तब्दीली को आप कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।